हमसे कहा जाता है कि तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल देंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, छपाक टू मूवी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज 3 तलाक। पति जिंदगी खराब, जब से हमको लगातार धमकी मिल रही है। धमकी बाज शौहर से बचा लो। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो बहुत शातिर है, आगे कुछ भी कर सकते हैं। क्या कानपुर में होने वाला है छपाक टू? हमसे कहा जाता है कि तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल देंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, छपाक टू मूवी बन जाएगी। FIR वापस लो, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी तबाह। चुपचाप बैठ जाओ, FIR वापस ले लो, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। डर के साए में कानपुर की ये बेटी। हम बहुत डरे हुए हैं, हम घर से नहीं निकल रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। परिवार में पापा नहीं, माँ मजबूर। मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी सिलाई करती हैं। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि हमारी दुकान भी नहीं खुलती अब। पुलिस से पुकार, कोई तो हो मददगार। बहुत डरे हुए हैं, मेरी मदद करो। कानपुर में छपाक टू। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 TV में और मैं ऋतुबिष्ट। कानपुर में छपाक टू। जी हाँ, 3 तलाक के अब तक कई मामले सामने आए। आपने 3 तलाक की कई खबरें देखी होंगी, 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को भी देखा होगा, लेकिन जिस 3 तलाक की खबर हम आपको दिखाएंगे वो बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि सिर्फ 3 तलाक नहीं दिया गया बल्कि छपाक टू कर देने की धमकी भी दी गई। खबर कानपुर से है। तीन तलाक को लेकर भले ही सरकार सख्त हो, जुर्माने से लेकर सजा तक की बात हो, लेकिन 3 तलाक देने वालों को डर है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से 3 तलाक की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच कानपुर से 3 तलाक की ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसे बताना बेहद जरूरी है। ये महिला जो आपको दिख रही है, इसके शौहर ने सऊदी से 3 तलाक दिया है और न सिर्फ 3 तलाक बल्कि धमकी भी दी गई, FIR वापस लेने की धमकी, जान से मारने की धमकी, यहाँ तक कि तेजाब से नहलाकर छपाक टू बनाने की धमकी। सऊदी से पति ईशान के तलाक देने के बाद हमने थाना बाबूपुरवा में FIR कराई। जब से हमको लगातार धमकी मिल रही है, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर रावत से भी हमने कंप्लेन की थी कि हमको धमकियां मिल रही हैं, अभी भी हमको धमकियां मिल रही हैं मेरे ससुराल वालों की तरफ से। हमसे कहा जाता है कि तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल देंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, छपाक टू मूवी बन जाएगी, चुपचाप बैठ जाओ, FIR वापस ले लो, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो सुना आपने, ये पीड़िता रो रो कर अपनी दर्द भरी दास्तां सुना रही है, क्योंकि इसके देवर ने तेजाब फेंकने की धमकी दी है। लेकिन जिस तरह से ये अपने आप को लाचार बता रही है, रो रही है, उससे तो यही लगता है कि इसकी मदद कोई नहीं कर रहा है। हम बहुत डरे हुए हैं, हम घर से नहीं निकल रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी सिलाई करती हैं। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि हमारी दुकान भी नहीं खुलती अब। बहुत परेशान है, इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो बहुत शातिर है, आगे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत डरे हुए हैं, मेरी मदद करो। बता दें, ये पूरा मामला कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का है और आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही शौहर और उसके घर वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित करने लगे और फिर शौहर ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। हालांकि मामला पुलिस में पहुंचने के बाद अब पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की बात कह रही है। एक महिला सुजातगंज थाना रेल बाजार की रहने वाली है, उनका
उनकी शादी थाना बाबूपुरवा के में नूरजादे की शादी हुई थी। उसके उपरांत दोनों में तलाक हो गए। इस संबंध में थाना हाजा पर एक मुकदमा लिखा गया है जो मध्यस्थता केंद्र के बाद वापस विवेचना के लिए आ गया है, उसकी विवेचना प्रचलित है। महिला ने आरोप लगाया कि अब उसका देवर जो है वो उसको तेजाब नहलाने की छपाकू मूवी बनाने की धमकी दे रहा है। इस तरह की सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस तरह की न्यूज़ है हमने देखी और उसको पढ़ा गया है, लेकिन महिला के द्वारा इस संबंध में कोई भी थाने पर अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस संबंध में हम देख रहे हैं, अब महिला से वार्ता करके हम उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। इस महिला को सुरक्षा कब मिलती है ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से ये महिला सनसनीखेज आरोप लगा रही है वो वाकई में हैरान परेशान करने वाला है। चूँकि तीन तलाक को लेकर तमाम सख्ती के बावजूद ये मामला डराने वाला है। पहले पति द्वारा दहेज की मांग, फिर तीन तलाक और उसके बाद देवर द्वारा दी जा रही तेजाब से नहलाने की धमकी। इसके बाद से पीड़िता इतनी दहशत में है कि खुद मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं बाबूपुरा कोतवाली में, जहां इस महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। अब पुलिस भले ही इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही हो, लेकिन देखने की बात यह होगी कि पुलिस इन पर कब कार्रवाई करती है और ये कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। कैमरा पर्सन फरहान साहब, नीरज अवस्थी, R9 TV, कानपुर। तो तीन तलाक का ये मामला एक बार फिर से सामने आया है। कानून बना लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कानपुर का ये एक ऐसा मामला जहां पर न सिर्फ तीन तलाक दिया गया है बल्कि धमकी भी दी है कि छपाक टू बन जाएगी, तेजाब डाल दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, ये पूरा मामला सामने आया और सनसनीखेज मामला है यहां पर, ये किस तरह से धमकी दी गई है ससुराल वालों की तरफ से, देवर की तरफ से, पति की तरफ से, अभी कुछ कार्रवाई पुलिस की इस पर? देखिए, इस मामले के सामने आने से एक बात तो ये साफ है कि कानपुर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, जो दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री खुद इस चीज को लेकर सजग है, तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं इसको लेकर जागरूक करने के साथ ही तमाम निर्देश दिए जाते हैं, मगर इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है उससे साफ है कि महिलाओं की क्या स्थिति है। दूसरी बात, पुलिस कार्रवाई की रही तो पुलिस जो है एक महीने पहले तीन तलाक समेत दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज था, उसकी जो वो मामला है वो विचाराधीन है। इसके बाद से जब लगातार धमकी मिल रही है, वो पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई लेकिन अब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पीड़िता को इतने डर लगता है कि उसको घर से निकलने में डर लग रहा है, वो पुलिस के पास जाने से डर रही है, तब भी पुलिस आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करती? अगर उसी मामले में पुलिस साफ तौर से अभी तक कुछ कार्रवाई कर चुकी होती तो ये चीजें सामने ना आती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीरज ये बताइए, क्या पीड़िता की आपसे बात हो पाई है? और ये वीडियो पूरा हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि कितना सहमी हुई है पीड़िता और बतला रही है कि दहेज की मांग लगातार ससुराल वालों के जरिए यहाँ पर की जा रही है, लेकिन क्या उच्च अधिकारियों से यहाँ पर इस बात की शिकायत की गई, क्योंकि पल्ला कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो झाड़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, एक चीज तो ये है कि इस मामले में पीड़िता जो है वो काफी डरी हुई है, तो वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आ रही किसी माध्यम से। ये वीडियो उन्होंने दिया है जो ऑनलाइन टीवी आपको दिखा रहा है और हमारे दर्शकों को दिखा रहा है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन कार्रवाई तभी मानी जाएगी जब आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल, यानी कि कैमरे के सामने आकर कार्रवाई की बात, लेकिन उसके पीछे कार्रवाई कुछ नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।